ये से रूपा जी देख रहे हैं कि अगर बात की जाए सोयाबीन की, तो सोयाबीन में भी देख रहे हैं कि कुछ खरीदारी निकल के सामने आई है, खबर निकल के सामने आई है कि जो ओवरसीज है इंटरनेशनल मार्केट में सोयाबीन के प्राइसेस में तेजी देखने को मिली है, जिसकी वजह से भारत में भी सोयाबीन के दाम अब कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या सोयाबीन में ये एक शॉर्ट कवरिंग मूव रहेगा या फिर सोयाबीन में आगे भी अब तेजी बनती हुई नजर आ सकती है इतनी ज्यादा गिरावट के बाद? देखिए सोयाबीन के अंदर फिलहाल जो है अभी छुटमुट जो खरीदारी है वो बाजारों में देखने को मिल रही है। हाजिर मंडियों की अगर हम बात करें तो उसमें एक बार फिर से बाजार उठते हुए दिखाई दिए हैं और खरीदारी हावी हुई है, जिसकी वजह से कीमतों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सस्टेनेबिलिटी है इसके अंदर। मुझे लगता है कि सोयाबीन नीचे में 5,4800 के आसपास आने वाले कुछ दिनों में, यानी कि ये त्योहारी सीजन के समाप्त होने के बाद सोयाबीन जो है वो 4,800 से 5,000 के घरों में कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि इसके अंदर बाइंग से बचना चाहिए। शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी अगर आप लेना चाहें तो बाइंग की ले सकते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि इसके अंदर वेट करें। जैसी ऊपरी स्तर देखने को मिलते हैं वहां पर भी क्वालिटी की रणनीति रखनी चाहिए। आने वाले दिनों में तेलों के अंदर गिरावट बढ़ सकती है जी।